हाय यूट्यूब, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में। और ये जो आप क्लासेस देख रहे हैं, लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन आज की। तो अमित जी, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल की फॉर्मेटिंग क्लास में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, राइट। हमने अभी तक फॉर्मेट के ट्रिक्स को पढ़े थे, हमने देखा था कि किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग वगैरह यूज करते हैं और किस तरीके से हम जो है एक्सेल के डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स के लिए फॉर्मेट तैयार करते हैं। और आज अभी जो हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ, वो बात करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हमें एक डेटा की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक डेटा ओपन कर लेता हूं। तो हमने डेटा ओपन कर लिया आपके साथ। अब बात करते हैं, जी हाँ, आप लोग सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, परमिशन दे दी है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने डेटा है। अब इस डेटा के अंदर हम किसी तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर, जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर कर दिया, इसने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, लेकिन इससे कोई लेना देना इसको नहीं है कि इस D6 जो है, D6 के अंदर में आखिर क्या टाइप किया गया है, D6 के अंदर आखिर टाइप क्या है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। इसने जस्ट फॉर्मेट था, इसने जस्ट फॉर्मेटिंग कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर कंडीशन पे फॉर्मेट, जैसे हाईलाइट्स हमें करना है कि जो जो ग्रेटर देन 5000 है वो हाईलाइट, क्योंकि 5000 इज दे आर द गुड सेल, तो हम चाहते हैं कि जो 5000 से ऊपर है ना, वही यहाँ पे शो हो, अदरवाइज शो ना हो। तो कैसे करें, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले जिस एरिया में आपको फॉर्मेट करना, उस एरिया को सिलेक्ट कर लें। अब मैं ये नहीं कहता कि पूरी की पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लें, पर जो एरिया आपको है उस एरिया को सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब आएंगे तो यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कैटेगरी मिलेंगे। तो हमें यहाँ हाईलाइट करना है, तो यहाँ हम हाईलाइट करेंगे, यहाँ से हाईलाइट सेल्स रूल से, उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑगरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू आप देख पा रहे हैं। तो बेसिकली मुझे हाईलाइट करना है, तो ग्रेटर देन पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक नंबर टाइप करेंगे जो नंबर करना है, जैसे मुझे करना है ग्रेटर देन 5000, सो वी हैव डन राइट हियर 5000। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक डिफॉल्ट कलर से हाईलाइट हो गया है, लेकिन आप अपने हिसाब से यहाँ फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मेटिंग चाहिए, जैसे कि येलो फिल, जैसे कि ग्रीन लाइट, जैसे कि रेड फिल, उसी तरह से यहाँ आपका कस्टम फॉर्मेट है। कस्टम फॉर्मेट इन द मीन्स कि आप यहाँ पे खुद की फॉर्मेटिंग लाना चाहते हैं, खुद की फॉर्मेटिंग। तो यहाँ हम फिल कलर पे, बॉर्डर है, फॉन्ट है, नंबर है, इन सबों पे हम जा सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम येलो कलर पे क्लिक करते हैं एंड ओके कर देते हैं, एंड ओके कीजिए। ओके करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने हाईलाइट हो गया। ये सिर्फ हाईलाइट ही नहीं रखता है, ये मेंटेन भी रखता है। जैसे 724 जो है आपका भी हाईलाइट नहीं है,
लेकिन 7240 हो जाएगी तो हाईलाइट हो जाएगा, और आप देख पा रहे हैं कि 8090 आपका हाईलाइट है। अगर मैं यहाँ पे 900 कर दूँ तो ये कलर हट जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक बार जैसे कलर अप्लाई कर दिया सिस्टम नहीं, वो आपकी कंडीशंस को मेंटेन रखता है। जी हाँ, आपके कंडीशंस को मेंटेन रखता है। तो चलिए इसमें क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट में सबसे पहले ग्रेटर देन, किसी नंबर से बड़े को हाईलाइट करना चाहते हैं, लेस देन, यहाँ से छोटे को करना चाहते हैं, बिटवीन टू नंबर्स के बीच की वैल्यू। अब यहाँ जो तीन चीजें हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इसमें आप डाल सकते हैं नंबर, डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं डाल सकते, कोई जो है आप ये नहीं कर सकते कि आप लेके बोल दीजिए ग्रेटर देन पूजा, ग्रेटर देन रवि, बिटवीन, क्योंकि तो टेक्स्ट इस तरह का नहीं लेगा। तो हम क्या डालेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम जो है डेट, एक मिनट डेट बताता हूँ मैं, डेट एक कॉलम में हम डेट इंट्री कर लेते हैं। हमने यहाँ पे डेट लिया, मान लीजिए कि इसी महीने की डेट जो है हम डाल देते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन 10 जून चाहिए, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन और यहाँ पे 10 जून। अब 10 जून जो है अपना डेट फॉर्मेट, जो डेट फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उस फॉर्मेट में डाल दें। करेंट ईयर है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आप यहाँ ईयर भी दे सकते, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जून, तो भी एक्सेप्ट करेगा। उसके अलावा यहाँ पे बिटवीन और लेस देन कर सकते हैं, बट इक्वल टू एग्जैक्ट सेल वैल्यू। इसे मुझे 10 जून को या 9 जून को हाईलाइट करना है तो 9/6 कर दिया तो 9 हाईलाइट होगा। या मान लीजिए मुझे यहाँ पे पुणे को हाईलाइट करना है तो इक्वल टू मैंने पुणे दे दिया तो पुणे हाईलाइट होगा। या मान लीजिए मुझे यहाँ पे ओम को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे गया इक्वल टू ओम कर दिया, आपका ओम ही हाईलाइट होगा, बाकी डेटा हाईलाइट नहीं होंगे। अब ये तो चीज हो गई आपकी इक्वल टू की, बट इक्वल टू में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। सिर्फ दिल्ली है और नीचे बहुत सारी जगहों पे न्यू दिल्ली टाइप है, तो दिल्ली एंड न्यू दिल्ली, दिल्ली और न्यू दिल्ली। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ इक्वल टू दिल्ली करता हूँ, इक्वल टू दिल्ली, माफ कीजिए स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो आप देख सकते हैं कि आपके जो न्यू दिल्ली है वो हाईलाइट नहीं हुए। अब ऐसा हो सकता है कि अब क्या है कि अगर सेल्स की बात करें या कंपनी की सर्विस की बात करें तो दिल्ली और न्यू दिल्ली बोथ आर द सेम एरिया, बट डेटा में किसी ने दिल्ली लिख दिया है और किसी ने न्यू दिल्ली लिख दिया है, सो प्रॉब्लम है। तो उस केस में क्या करेंगे कि हम नीचे जो दिख रहा है टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन, इस पे जाएंगे और यहाँ पे मैं दिल्ली लिख दूंगा। अब देखिए यहाँ पे आपके दिल्ली और न्यू दिल्ली बोथ आर द हाइलाइटेड हो चुके हैं, ठीक है अमित जी, कोई प्रॉब्लम है आपको? इसमें सर जनवरी वाला जो डाटा है उसमें जन क्यों हो कहाँ चल, गया? कौन सा? ये 5000 था, 5000। जनवरी क्यों है वो? हाँ, क्योंकि टेक्स्ट को भी वो हाईलाइट कर देता है, टेक्स्ट को ही नंबर रीड कर लेता है वो, उसका नंबर वैल्यू निकाल लेता है। इसलिए आपको हाईलाइट करना हुआ कभी तो आप हेडिंग को मत कीजिएगा, किसी भी हेडिंग को कर देगा, नंबर अगर है तो, टेक्स्ट में नहीं करता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ करूँ तो टेक्स्ट रीड नहीं करेगा, बट नंबर होगा तो रीड करेगा। जैसे ग्रेटर देन मान लीजिए हमने 50 कर दिया, सबको अलर्ट कर दिया सर, ये प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं डेट की ही बात कर लेते हैं। अब जैसे आप
आपको मैंने यहाँ पे कंडीशन मीटिंग बताया कि किसी भी डेट को आप इनसे हाईलाइट कर सकते हो, पर तो फिक्स हो जाएगा। जैसे आज की डेट मुझे 27 तारीख हाईलाइट करनी है, तो अगर मैंने यहाँ पे 27/6 कर दिया, ओके कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं 27 यहाँ हाईलाइट तो हो चुका है, पर 27 तारीख जो 27 जून जो हाईलाइट हुआ वो फिक्स हो गया ना। अगर कल मैं फाइल खोलूंगा तो कल मेरा सिस्टम में 28 होगा, तो ये 28 को हाईलाइट नहीं करेगा, ये आपका 27 को हाईलाइट करेगा। तो यहां हम यूज करते हैं टेक्स्ट दैट, सॉरी ए डेट ऑकरिंग। टेक्स्ट दैट कंटेन के नीचे आता है ए डेट ऑकरिंग, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम डेट से कनेक्टेड होता है कि अगर मैंने इसको कर दिया टुडे तो आज की डेट, टुमारो तो कल की डेट, द लास्ट 7 डेज, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। और ये सिर्फ हाईलाइट ही नहीं कर रहा है, ये आपके सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन भी रख रहा है। कल की डेट में अगर आपका डेट चेंज होता है तो यहाँ फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाएगी। तो किस चीज के लिए यूज किया हमने, हमने टेक्स्ट दैट ए डेट ऑकरिंग का यूज किया। अब इस कैटेगरी की लास्ट फॉर्मूला आता है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू इसका मतलब कि अगर आपके आपके किसी सिस्टम में आपको ऐसा लगता है कि कोई वैल्यू मोर देन वन टाइम है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो, वो हाईलाइट कर देगा, या यूनिक है सिर्फ एक ही बार है तो हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके एक सिलेक्टेड एरिया में मैं चाहता हूं कि मैं यहां मोबाइल नंबर लिखूं, और कोई जैसे ही कोई मोबाइल नंबर डुप्लीकेट यहाँ पे अगर टाइप कर दे रहा है तो मेरा मोबाइल जो मेरा जो हाईलाइट है वो हाईलाइट हो गया। उस केस में हम यूज करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू एंड ओके करते हैं। अब मैं यहाँ पे 8802579388 करके एंटर प्रेस किया, हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही नीचे आऊंगा 8802579388 एंटर प्रेस करते ही हाईलाइट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि अगर नंबर 3 बार है तो 3ों बार हाईलाइट होगा, जितना बार रिपीट होगा उतना बार हाईलाइट होगा। बट यहाँ इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कुछ ऐसा चाहिए कि नहीं पहला को हाईलाइट ना करें, बाकी दो जितने भी रिपीटेड होते हैं उसको हाईलाइट कर लें, तो ये चीज भी पॉसिबल है काउंटिंग फॉर्मूले की मदद से। लेकिन ये हम आपको अगली क्लासेस में बताएंगे जब हम आपको काउंटिंग पढ़ाएंगे। अब बैक टू डेटा, और यहाँ पे हमने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑगरी एंड डुप्लीकेट वैल्यू, ये चारों सब सीख लिया। इसमें कोई डाउट है आपको? अब बारी आती है यहाँ टॉप बॉटम रूल्स की। टॉप बॉटम रूल्स, अब मान लीजिए ये आपकी मार्च का ही सेल है, मुझे इसमें टॉप 5 देखना है, तो टॉप 10 आइटम पे क्लिक कीजिएगा और 10 को 5 में कन्वर्ट कीजिएगा, ओके कीजिए। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो हाईएस्ट 5 है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो गया, हाईएस्ट 5 हाईलाइट हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे इसमें बॉटम 10 चाहिए तो आप बॉटम 10 को सिलेक्ट कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे बॉटम 10, बॉटम 5। और कलर देखिए, कलर मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं एवरी टाइम, जो
जो कलर चाहिए वो कलर चूज कर लीजिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके साथ टॉप बॉटम में टॉप 10 परसेंटेज एंड बॉटम में टॉप 10 आइटम्स एंड बॉटम 10 आइटम्स यहाँ पे आपका है। इसमें टॉप 10 परसेंटेज एंड बॉटम 10 परसेंटेज है, ये चीज मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ये कनेक्टेड है परसेंटाइल फॉर्मूले से। जब हम आपको परसेंटाइल फॉर्मूले एक्सप्लेन करेंगे देन इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट आता है एवरेज, अबव एवरेज। आप देख सकते हैं कि एक सिलेक्टेड कॉलम का यहाँ एवरेज दिखा रहा है, नीचे दिख रहा है आपको 4755 और इसमें वैल्यू चेंज होगी तो हमारा एवरेज भी एवरी टाइम चेंज होगा। तो यहाँ आप जो है अबव एवरेज करेंगे तो जो इसका एवरेज होगा उससे ऊपर को हाईलाइट कर लेगा। अब इसका यूज क्यों होता है, देखिए क्या होता है कि सेल्स हो या परफॉर्मेंस हो या कुछ भी हो, अच्छा और बुरा के लिए एक पैरामीटर होता है। जैसे कि पास और फेल के लिए स्कूल में होते हैं ना कि 30 मार्क्स जब पास और बिलो 30 मार्क्स फेल। लेकिन जहाँ पे कोई बेंचमार्क नहीं डिफाइन होता है कि भाई इससे ऊपर अच्छा इससे नीचे खराब, दैट केसेस में हम यूज करते हैं टॉप बॉटम सॉरी अबव एवरेज। मतलब कि जो टोटल परफॉर्मेंस है उसके जो एवरेज है अबव एवरेज है इट मीन्स गुड और उसके बिलो एवरेज इट मीन्स बैड। आपने कई बार सुना होगा ना बिलो एवरेज है, हाँ अबव एवरेज है। तो यहाँ पे वो चीज अप्लाई होती है। देन आती है डेटा वार। अब यहाँ पे हमें बात को जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि देख सकते हैं कि डेटा हमारा 791 से 800 के करीब है और मुझे पता करना है कि जो मोहन ने दिल्ली में 2 जून को सेल किया है मार्च में 86-87, ये अमाउंट जो है मार्च महीने में की गई सेल में हाईएस्ट में आता है, लोएस्ट में आता है, मिडिल में आता है, किसका इसका क्या है। तो उस केस में हम यहाँ पे डेटा वार लेते हैं और यहाँ डेटा वार का इस्तेमाल करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 86-87 के बीच में बहुत बड़ा बार बन रहा है, इसका मतलब है कि ये गुड सेल है मतलब टॉप में, और जो छोटा आ रहा है बॉटम में। अब इसको एक अलग सेल पे मैं समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 अब इनको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ कस्टम में जाता हूँ। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे मैं माफ कीजिएगा मैं गलत जगह चला गया, डेटा बार देख सकते हैं जैसे जैसे मेरा बार नंबर बढ़ रहा है उससे बार बढ़ता जा रहा है। इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े डेटा पे हम पाई चार्ट वगैरह नहीं लगा सकते, बार चार्ट वगैरह नहीं लगा सकते, तो हमें शेयरिंग पता नहीं चलता है। तो वहां पे हम इसका यूज करते ताकि हमें शेयरिंग पता चल जाए। उसके बाद आती है कलर स्केल। ये आपको कलर का शेड के रूप में ग्रीन टू रेड, रेड टू ग्रीन, तो पता चल जाता है कि रेड इट मीन लोअर, ग्रीन मतलब हायर। लेकिन आपको क्लियर समझाना है, नो कंफ्यूजन, यूज द आइकन्स बिलो मिडल अपर, और यहाँ अलग अलग तरह के आइकन से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे Q1 और Q2 की सेल है, Q1 50, Q2 55 है। अब आपका तो नंबर छोटा है इसलिए आप कंपेयर कर रहे हैं, नंबर छोटा है इसलिए आप कंपेयर इजिली कर रहे हैं। लेकिन नंबर एक करोड़ों में होता, लाखों में होता तो आपको कंपेयरिंग करने में प्रॉब्लम होती। वहां पे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आइकन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ नंबर जितना भी बड़ा हो इजीली पता चल रहा है 55 इज द अपर एंड 50 इज द लोअर। क्योंकि डेटा चेंज होता है 62 हमने कर दिया, देखिए स्वैप हो गया, ऐसे शेप हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने सीखा हाईलाइट सेल्स रूल्स जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डे ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। अच्छा इसमें कुछ चीज मिसिंग आपको दिख रहा होगा, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट बिटवीन, नॉट इक्वल,
टेक्स्ट दैट कंटेन है द स्टार्ट विथ बिगेन विथ एंड विथ, ये चीजें नहीं थी बेसिकली। ये चीजें यहाँ मोर रूल्स आपको दिख रहा होगा या न्यू रूल्स आपको दिख रहा होगा, दोनों में मिलेगा क्योंकि बाहर आपको सारी चीजें दी गई है जो मोस्ट यूजेज है, जो ज्यादा यूज है वो चीजें यहाँ पे दिखती है। तो मोर रूल्स में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें अभी नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे आपको कल। तब तक आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो बाहर की चीजें हैं उनको यूज कर लीजिए क्योंकि इसका अच्छा खासा रोल होता है हमारे ऑफिस में। अब किस तरह का रोल होता है वो भी एक बार देख लीजिए। तो जैसे कि ये आपका ग्रांट चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रांट चार्ट, प्रोजेक्ट चार्ट दिख रहा होगा। अभी जो चार्ट बना हुआ है वो बेसिकली क्या लग रहा है, इस तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग से बना, ये प्रोजेक्ट एक्टिविटी को शो कर रहा है। और आप जाके देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल्स में इतने सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग विथ फॉर्मूला लगा। तो ये चीजें हम आपको कल की क्लास में, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो नंबर मेरा स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेरा ऐप डाउनलोड जरूर करें क्योंकि ऐप डाउनलोड करेंगे तो मेरे साथ चैट के थ्रू लाइव कनेक्ट रहेंगे और किसी तरह की प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।